तो भाई होटल से आज निकल चुके हैं और ये सामने आ गया है मेट्रो स्टेशन, पर आज हम इस मेट्रो से नहीं जाएंगे क्योंकि हमको जाना है भाई आज क्योटो। और क्योटो जाने के लिए खैर मेट्रो लेके मेन स्टेशन तक जा सकते हो और फिर वहाँ से आप लोकल ट्रेन भी ले सकते हो और शिनकानसेन भी ले सकते हो अपने क्योटो तक जाने के लिए। तो हमारी जापान पास में इंक्लूडेड है तो हम क्यों ही मेट्रो से जाएं, एक स्टेशन यहाँ पे पास में ही है उस तक चलते हैं और वहाँ से JR लाइन चलती हैं सारी। तो JR लाइन अपने लिए फ्री हैं तो JR लाइन में बैठ के चलेंगे क्योटो, तो फ्री में पहुँच जाएंगे और फ्री में ही वापस आ जाएंगे। 600-700 मीटर चलना पड़ेगा, 5 मिनट पैदल पैदल चल के पहुँच जाएंगे। अगर मतलब गर्मी होती, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती मेरे को तो मैं नहीं चलता भाई क्योंकि दिमाग ख़राब होता है गर्मी, पर सर्दी में फिर भी मैनेजेबल है। तो चलते हैं देखते हैं कौन से वाला। सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम? इंडियन रेस्टोरेंट। इंडियन रेस्टोरेंट भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया और 2 दिन से दिमाग ख़राब हो रहा है। वैसे खाना ठीक है, जापान का ना खाने लायक है, ऐसा अफ्रीका जैसा सिस्टम तो नहीं है कि बिल्कुल ही कीड़े ही खाते हों ये, पर फिर भी यार थोड़ा एक दो बार तो इंडियन रेस्टोरेंट खाना बनता है। और हमारे ना बिल्कुल होटल के पास ही है, परसों तो खाया था अभी। हमारे होटल के पास ही बिल्कुल एक और इंडियन रेस्टोरेंट है, अगर रात को खाना पड़ा तो। इंडिया से आए हुए 3 दिन हुए हैं, एक बार ही खाना खा चुका है इंडियन रेस्टोरेंट में और अभी बोल रहे खाना बनता है अभी। चुप रह तू। ये भाई टिकट्स ऑफिस, ठीक है ये था अपना पास जो हमने इनको दिखाया और उसके बदले मतलब उसके साथ साथ ये वाली टिकट दे दी तैनो जी से क्योटो। तैनो जी मतलब एक स्टेशन है ओसाका में जहाँ पे हम हैं, अब यहाँ से करेंगे हम एंट्री। ये मैंने ले लिया एक मतलब रोल टाइप और एक इसने लिया, क्या लिया ये? अंडा। ये आ गई भाई अपनी ट्रेन हारुका। हाँ ये तो लड़कियों की लग रही है ट्रेन में। तो भाई ट्रेन में बैठ चुके हैं और ये वाली मतलब शिनकानसेन नहीं है, लिमिटेड एक्सप्रेस है, 44 मिनट में क्योटो पहुँच जाएगी। बस एक ही स्टेशन रुकेगी बीच में शिनोसाका, जहाँ से पूरा ट्रेन चेंज होती है और बस उसके बाद डायरेक्ट पहुँच जाएंगे क्योटो। 10:04 में पहुँचेंगे, 44 मिनट का सफ़र है ये। ठीक है भाई इतना मतलब फालतू मेट्रो लेते पैसे लगते हैं, ये पास ले ही रखा है तो बस उतना तो था ही। तो चल रहे हैं ओसाका में से निकलते हुए, अभी ट्रेन कहाँ से आ गई है, नदी आई थी अच्छी खासी ये रही। बंद है तो भाई ये थी अपनी ट्रेन, हम पहुंच गए क्योटो 10:04 पे और अब चलते हैं यहाँ से इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ। एक और JR वाली ट्रेन ले लेंगे जिससे कि हमारा फ्री हो जाएगा जाना, मेट्रो वेट्रो बस बस नहीं लेंगे, ट्रेन ही ले लेंगे JR की। 2-3 स्टेशन बाद हम पहुंच जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट के करीब, 1 किलोमीटर चलना है, तब तक थोड़ी और भूख लग जाएगी, फिर खा पी के फिर क्योटो घूमना शुरू करेंगे। तो भाई इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खा लिया है और 2 जनों का बिल आया 1430 येन कुछ। और एक अजीब चीज दिवांग क्या हुई, मैंने कहा चाइल्ड सेट दे दो, मतलब चाइल्ड सेट मतलब उसमें नान छोटा आता है, हाँ उसमें एक सब्जी आती है, थोड़े से चावल आते हैं, एक जूस वूस आता है, एक तो, मीठा भी लिखा था उसने दिया नहीं जो। हाँ बोला कि सर चाइल्ड सेट सिर्फ चाइल्ड को मिलता है। अरे तो क्या हो गया, बताएगा क्या हो गया? तो चाइल्ड सेट वो कहता सिर्फ चाइल्ड को मिलता है, तो कहता भाई हमको खाना ही चाइल्ड जितना, जबरदस्ती बड़ा वाला थोड़ी लेंगे हम। तो फिर कहता मैं पूछ के आता हूँ। फिर वो कहता चलो हो जाएगा, तो फिर 690 का चाइल्ड चला जिसमें एक नान था, इतनी छोटी सी कटोरी सब्जी की थी बटर चिकन, उसमें क्या 2 पीस होंगे, हाँ 2 पीस चिकन के, मतलब चाइल्ड उसने मीठा भी नहीं दिया नहीं। हाँ हम तो बैठे थे, या तो कुछ ऐसा था या तो जूस ले लो या ड्रिंक ले लो या मीठा, कुछ ऐसा तो नहीं था। चल अब तो जो हो गया सो हो गया। और चश्मा कहाँ से ले आया तू खरीद के? अभी लिया यहाँ से। तो भाई अब मेरे अंदर आ गई एनर्जी, अब दीवान को घुमाएंगे। 2 घंटे खराब करे स्पेशली ट्रेन लेके यहाँ आया, पहले चलवाया ये बटर चिकन खाने के लिए, नहीं इसी डायरेक्शन में आना पड़ता हमको। ओके तो अब चलो भाई, ये तो गाइड है हमारा, जैसे बोलेगा करना पड़ेगा। तो पेमेंट क्या मिलेगी? देते हैं पेमेंट तुम्हें कमरे में। क्या हुआ था अभी?
अरे सीढ़े पे चढ़ रहे थे मेट्रो स्टेशन में, हाँ। तो लोग वेट कर रहे थे लाइन में, मुझे दिखा नहीं, मैं चला गया आगे, ये बोला रुक 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 रुक, वो लोग जा रहे हैं, मैं रुक गया, हाँ। मैं कहा जाओ, बोले नहीं आप जाओ, नहीं आप जाओ, नहीं आप जाओ, तो भाई डेड लॉक ही हो गया। तो भाई हम पहला जो हम जगह आ चुके हैं उसका नाम है आराशियामा। ये एक बैम्बू फॉरेस्ट टाइप है, काफ़ी अच्छी जगह है विजिट करने के लिए। मैं पहले भी आ चुका हूँ क्योटो में जब आया था, तो अब दोबारा भाई पंजाबी भाई आए हैं, सॉरी द पंजाबी वॉन्डरर। तो भाई हमने सोचा क्योटो में एक दिन में जितना कर सकते हैं वो इस वीडियो में डालूंगा मैं। तो आराशियामा फॉरेस्ट उत्तर मेट्रो स्टेशन का नाम है, मतलब जे आर जो स्टेशन है उसका नाम है सागा आराशियामा, गूगल पर सर्च करोगे तो आ जाएगा। और अब 1 किलोमीटर सीधा सीधा चल के जाना है। मस्त जगह लग रही नहीं ये, लग रहा है कि जापान में आया हूँ पहली बार, एक मतलब गांव सा आ गया एक टाइप से ना। तो भाई कितना प्यारा सा फाटक है, शायद इससे ना इससे भी जाती है ट्रेन क्योटो साइड, पर हम भाई अपने जेआर पास से ही जाएंगे क्योंकि उसमें इंक्लूडेड है सब कुछ, मतलब जो जेआर की ट्रेन है, मतलब मस्त लग रहा था वैसे ये। ये आ गए भाई हम, पहले तो खाने पीने का है, खाना पीना तो हम करके आ गए, तू खा ले तेरे को भूखा तो। ये हम पहुंच गए भाई बैम्बू फॉरेस्ट में। अब इसमें क्या है यार, खुशी से बोल रहा हूँ बैम्बू फॉरेस्ट में आ गए। अरे अरे कितना सुंदर है। अभी ये पंजाबी कह रहा था ना खुशी से बोल थोड़ा बैम्बू फॉरेस्ट में आए हैं, अभी यहाँ पे 1000 yen की एंट्री होती ना यहाँ 10 nooks निकाल देता। अबे यार इतना बढ़िया तो नहीं है, अबे यार ये है फ्री की चीज, फ्री की चीज। अच्छा यहाँ पे यूरोप में जहाँ पे विजिट करते हो, 4 बार यूरोप जा चुका हूँ, चर्चिस की फीस है बेटा। चर्च कौन जा रहा है, मैं गया नहीं, गया ना नहीं, गया नहीं हूँ तो बता रहा हूँ मैं, मतलब ये तो फिर पार्क की फीस होती है। हाँ नेशनल पार्क भाई पहाड़ों पे चढ़ने की फीस है उन देशों में, वहाँ पे चर्चिस की फीस है भाई अंदर जाने के लिए, स्विट्जरलैंड जैसे। हाँ क्रोएशिया में जैसे वो फेमस है अपने ट्रिप का नेशनल पार्क, उसकी बड़ी ज़्यादा फीस है। तो यहाँ पे जापान में कम से कम ये तो है कि इन्होंने अपनी इन चीज़ों की फीस नहीं रखी, उन्होंने बाहर एक गेट बना देते। क्या मतलब भाई, रुक जा अभी, रुक जा अभी, अंदर जाएंगे शायद वहाँ पे फीस नहीं 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 होगी, नहीं नहीं होगी, मेरे को याद नहीं आ रही, तो मतलब थी नहीं मेरे हिसाब से। इसके बाद जो हम जगह जाएंगे वहाँ पे भी कोई फीस नहीं है। तो ये था भाई बैम्बू फॉरेस्ट, काफ़ी भीड़ हो रखी यार आज तो, पूरा चल लिए हम। और ये जिस स्टेशन पे हम थे वहाँ से है ये JR वाला, देखो JR वाला 20 मिनट दूर है, 20 मिनट हम चल के आए हैं। तो अब चलते हैं वापस, अच्छी जगह है आधे घंटा चिल करने के लिए। हम आ गए हैं एक टिपिकल कह सकते हो जैपनीज टेंपल टाइप में, और ये इनका टेंपल है। और बाहर वो चीज़ें भी बिक रही थी जिसपे ना आप अपनी, शायद देखो जितना मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, आप अपनी इच्छाएं लिख के यहाँ पे टांग सकते हो, ये बिक रहे हैं मतलब बाहर, और पीछे मतलब इन्होंने खुद अपने हिसाब से लिखा है। तो भाई अगर आपकी क्या है इच्छाएं, इच्छाएं तो बहुत है मेरी, तो बहुत सारे खरीद लो, बहुत सारे टांग दो, सारे पंजाबी बॉन्डर। अगर मम्मी ने पढ़ लिया घर पर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हम उतर गए क्योटो स्टेशन पे, और अब हमको जाना है भाई बस लेके। बस में मैं आज तक जापान में नहीं बैठा हूँ, टिकट का सिस्टम नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बस लेके जाना है हमको जो दूसरी जगह जा रहे हैं हम, पता नहीं क्या है उसका नाम, थोड़ा अजीब सा है, तो बस ढूंढते हैं। अगले 5 मिनट बस है 206 नंबर, और उसमें बैठ के जाएंगे। ये हम खड़े हो गए भाई बस की लाइन में, अपनी बोरी देखो 206 नंबर, और अभी तक आई नहीं, और लाइन कितनी लंबी लगी। पर ये एक बात अच्छी है भाई, एक भी बंदा लाइन तोड़ के आगे नहीं जाएगा। और JR पास में ना बसेस भी काफ़ी सारी इंक्लूडेड हैं, जैसे वो वाली ब्लू कलर पे देखो लिखा है JR, उसमें हम फ्री में बैठ के हम चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ छोड़ के आती पर फ्री थी। ये तो ले लो भाई, ये मशीन है, ये कॉइन एक्सचेंज वाली थी, मेरे को लगा इससे टिकट मिलती है, मैंने इसमें डाले और 500 के खुले कर दिए इसने, और वहाँ पे डलते हैं टिकट के पैसे। तो उसने बंद ने कहा बाद में डालना, मैं डालने लग रहा था तो रोक दिया उसने। देखो लिखा है अडल्ट 230, चाइल्ड 120। तो भाई यहाँ पे हम आ गए हैं कियो मिजू डेरा टेंपल, ठीक है ये टेंपल तो ठीक है भाई, पहाड़ के ऊपर है और अच्छे 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 फोटोज खिंचवा सकते हो, पर आपको मैं यहाँ से लेके जाऊँगा एक सीक्रेट गली में जो पिछली बार भी थी, और मतलब पर वो वीडियो आपको मिलेगी नहीं क्योंकि उस वीडियो का टाइटल है ईटिंग ग्रीन टी आइसक्रीम, जो कि मतलब कहीं और मिलती नहीं है, यहीं पे मिलना पॉसिबल है।
तो अभी ऊपर चलते हैं, यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा होगा पर मज़ेदार व्यू आने वाला है यहाँ से। और वो सीक्रेट गली देखना, घूम के मतलब दिल को बड़ा सेटिस्फाइंग सा लगेगा। यहाँ से आपके पूरे शहर का बढ़िया नज़ारा दिखेगा अगर मैं दिखाऊं तो। और वो जो सीक्रेट गली मैं आपको बता रहा था वो इस गली में जाएंगे हम अभी, और फिर उस तरफ है कहीं पे वो, मैं भी थोड़ी थोड़ी भूल गया हूँ, पर बढ़िया नज़ारा है यार। ये वाली गली है बहुत प्यारी सी, इसमें बढ़िया बढ़िया दुकानें हैं। और एक गली राइट साइड में जाएगी वो है मस्त वाली, स्वीट्स की दुकान है, इसमें आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो जैसे शायद चॉकलेट टाइप है ना, कोटिंग है ना। हाँ देखो कितने टाइप का, ये है फिर ये है, ये सब किल का है, फिर ये है, फिर ये है, फिर वो है, काफी सारा आप सब ट्राई कर सकते हो। जो स्वीट है 2018 में भी आया था, मैं खा के चला गया था, नाम नहीं पता था, तो इसका नाम है यात्सू फाशी, मतलब बढ़िया है, खाने लायक है। देखो भाई पंखे, ये जापान का फ्लैग है ये वाला नीचे, और ये है माउंट फूजी, देखो 1000 yen का है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और मतलब ले ले यार अपना ही समझ। मुड़ गए भाई राइट, और यहाँ से देखो कितनी भीड़ जा रही है यहाँ पे। पतली पतली ना आपको 3-4 गलियां मिलेंगी जहां पे ऐसे लकड़ी के घर, रेस्टोरेंट, और ये आखिरी में मिलेगा ये पगोड़ा, 4-5 मंजिल वाला, तो बढ़िया लग रहा है यार। पर अभी देवांग को बहुत तेज सुस्सू आ रहा है, आ तो मेरे को भी रहा है, और हमको दिखा कैसा मुंह बना रहा है भाई तू। तकलीफ में हूं मैं। यार देवांग ये बता, बिल्डिंग्स कितनी प्यारी लग रही है ना, मतलब घर मुझे नहीं आ रहा कुछ बिल्डिंग। इसका कुत्ता तो सही है, ये तो बोल रही है नीम वाला कुत्ता। पंजाबी के तो बहुत तेज टॉयलेट आ रही थी, तो हमको फाइनली इंडियन रेस्टोरेंट मिला, वो तो टॉयलेट कर रहा है। मैं अपना तब तक समोसे ऑर्डर कर लिए भाई, क्या करूँ बैठ के, टाइम पास तो करना है, थोड़ा पेट में डाल लेता हूँ। 600 yen के 2 समोसे हैं भाई, ये 300 yen का एक। तो भाई आखिरकार देवांग की मदद किसने करी? इंडियन रेस्टोरेंट ने, और किसी रेस्टोरेंट में घुसने की हिम्मत ही नहीं हुई कि भाई इसको आती होगी इंग्लिश नहीं आती होगी, उतनी देर में देवांग का काम हो जाएगा। तो जाते जाते हम बस में ही जा रहे थे, मैंने कहा रहे इंडियन रेस्टोरेंट, इसमें तो घुसते ही सीधा अंदर ही घुस गया, फिर ये जा कर रहा टाइम लगा रहा, मैंने कहा मैं क्या करूँ भाई। तो मैंने समोसे खा लिए 580 yen के 2 समोसे, हाँ समोसे तो बेकार थे, अरे मैं क्या ही खाता भाई, पूरी थाली तो मंगा नहीं सकता था, अब चाय सिर्फ क्या ही मंगाता मैं, चाय भी 300 yen की आ जाती, मैंने कहा 2 समोसे खा लूँ थोड़ा सा हो जाएगा। चलो अब ये तो खड़ी है 207 नंबर, और 206 में जाना है, वो हमको मेट्रो स्टेशन पहुँचाएगी, और मेट्रो स्टेशन के बाद मतलब हमको एक और जगह जाना है, लास्ट जगह आज की। तो भाई ये फुशिमी इनारी स्टेशन पहुँच चुके हैं हम, तो यहाँ पे विजिट करना है हम श्राइन्स को, और यहाँ का स्टेशन देखो आप कैसा है, ऑरेंज ऑरेंज पिलर्स, और ये ऊपर भी ऐसा ऑरेंज ऑरेंज, तो मतलब उसी डिजाइन में स्टेशन बना रखा है इन्होंने। तो ये हम पहुंच गए भाई फुशिमी इनारी श्राइन पे, पहले तो मतलब इनका वही एक मंदिर टाइप है, और फिर ये मंदिर से घूमते हुए आप अंदर जाओगे ना, तो अंदर वो लाइन से श्राइन से जो आप मतलब क्योटो सर्च करोगे तो भाई सबसे ऊपर वही आएगा। ये है भाई मेन अट्रैक्शन जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, ये नहीं, अभी आगे चलते हैं फिर दिखाता हूँ मैं आपको क्या है। ये देखो भाई यहाँ पे ना ऐसे 10,000 पिलर्स हैं, मतलब ये जो गेट टाइप है, 10,000 श्राइन्स
कह सकते हो आप। और सब पे सेम ही चीज़ का साइन बना हुआ है, वो जो है मतलब जो इनकी कांजी है भाई। ये आ गए छोटे वाले, मतलब ये होंगे कुछ 7 फुट के, पूरे लंबे हैं ये भी। इस तरफ देखो ज़्यादा कुछ लिखा रहता है, हम उल्टी साइड से जा रहे हैं मेरे को लग रहा है, क्योंकि खंबे के इस साइड कुछ नहीं लिखा होता, इस साइड काफ़ी कुछ लिखा होता है। ये बड़े वाले श्राइन से भाई, पीछे से छोटे वाले। अब तो काफ़ी कम लोग रह गए, पाँच छः बस इतने रह गए, खाली पड़ा है अब तो। अभी हम जिस मौसम में आए ना, वो देखो कैसे कैसे पत्ते लाल, येलो, ऑरेंज, ग्रीन भी हैं, और यहाँ पे ग्रीन और ऑरेंज श्राइन्स। काफ़ी सुंदर जगह है भाई, अभी इस टाइम पे हो रखी है ये। तो भाई हम घूमाए क्योटो, और अभी जा तो रहे थे हम लोकल वाली ट्रेन से ही, मतलब जो जीआर पास में इंक्लूडेड थी, पर उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी भाई। मतलब हम पहुंच गए थे प्लेटफॉर्म तक, हमने देखा इतनी ज़्यादा भीड़, मैंने कहा भाई 40 मिनट तो मैं खड़े होकर ही जा पाऊँगा। तो हम आ गए शिनकानसेन में अपने बुलेट ट्रेन पास की वजह से, और ये पहुँचा देगी मात्र 14 मिनट में हमको कहाँ से, श्रीनोसाका, जो कि हम सुबह 44 मिनट में आए थे, तो ये पहुँचा देगी 14 मिनट में। तो वो तो है ही, खैर हम सुबह भी ले सकते थे, पर पता नहीं हमने ली क्यों, क्योंकि हमको जो हमारा होटल के पास स्टेशन था ना, उससे डायरेक्टली क्योटो भी मिल गई थी। कौन चेंज वेंज करता इतनी देर में, फिर हर आधे घंटे में चलती है भी, तो हमको वेट ही करना पड़ता, इसलिए हम आ गए। पर चलो चलते हैं अपना होटल। जापान में भी ना इंडिया की तरह करीज बहुत फेमस हैं, तो ये करी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ये मेन्यू है इनका। और इसमें ना हमको सर्व करने से पहले ना दो अलग अलग टाइप की करीज दी थी इसने, एक ही डार्क कलर की है और एक लाइट कलर की थी, कि आप टेस्ट कर लो और आपको कौन सी चाहिए। तो हम दोनों ने डार्क कलर की चूज़ करी थी, तो एक खा के चलते हैं।